नमस्कार, मैं संगीता अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम सूजी से दही भल्ला बनाएंगे। इसे बनाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी सूजी की, दही की, तलने के लिए तेल की, पिसी हुई काली मिर्च की, भुना जीरे पाउडर की, काले नमक की, जीरे की और नमक की। अब हम सबसे पहले एक पैन को गर्म करते हैं और उसमें सूजी डाल करके भूनेंगे। सूजी को सिर्फ 2 मिनट ही भूनना है। 2 मिनट से ज्यादा भून गई तो इसके बड़े नहीं बन पाएंगे। हमारी सूजी भून चुकी है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम एक पैन को गर्म करते हैं और उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। हमारा जीरा भून चुका है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमने 1 कटोरी सूजी ली है, उसके लिए हमें 4 कटोरी पानी डालना है। अब हम इसमें नमक डालेंगे और पानी को खौलाएंगे। पानी खौलने लगा है, अब हम इसमें सूजी डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। हमें इसे जब तक पकाना है जब तक इसका पानी ना सूख जाए और इसकी जो गुठलियां हैं उनको इस तरीके से रगड़ते रहें। सूजी का हमें बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट बनाना है। हमारा सूजी का गाढ़ा पेस्ट बन चुका है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। हमारा सूजी का पेस्ट ठंडा हो चुका है, अब हम इसे थोड़े से पेस्ट को हाथ कर लेंगे और इसको इस तरीके से गोला बनाएंगे और हाथ पर रख करके इसको दबा करके बड़े का आकार देंगे। इसी तरीके से हम दोबारा से बनाते हैं। थोड़ा सा पेस्ट हाथ में लेते हैं, उसका गोला बनाते हैं और ऐसे हाथ पर रख करके बड़े का आकार दे देते हैं और इसी तरीके से हम सारे बड़े बना लेंगे। हमने सभी बड़े बना लिए हैं, अब हम इनको तलेंगे। हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, अब हम इसमें सूजी के बड़े को डालते हैं। हमें इन्हें मीडियम गैस पर सुनहरा होने तक तलना है। हमारे बड़े सुनहरे हो चुके हैं, अब हम इन्हें प्लेट में निकालेंगे। इसी तरीके से हम सभी बड़ों को तल लेंगे। हमने सभी दही भल्ले उतार लिए हैं, इन्हें पानी में नहीं भिगोना है और जब ये हल्के गर्म हो तभी इनके ऊपर दही डालना है। अब हम इसके ऊपर दही डालते हैं। अब हम इसके ऊपर मीठी चटनी डालते हैं। अब हम इस पर भुना हुआ जीरा डालते हैं, हल्का सा काला नमक डालते हैं, काली मिर्च पाउडर डालते हैं। आप चाहें तो इस पर खट्टी चटनी भी डाल सकते हैं। लीजिए, हमारे सूजी के दही भल्ले तैयार हैं। इनको बनाते वक्त विशेष ध्यान रखें कि सूजी को 1 या 2 मिनट ही भूनना है, नहीं तो ये नहीं बन पाएंगे। आपको ये कैसे लगे हमें जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।